Hi everyone, this is Mayank Gautari and we have Yash Shingi with us uh, to share some tips on the strategic financial management paper that will help you for the coming exam. Let me tell you something about the Yash. Yash scored 92 marks in strategic financial management paper in May 2017 exam. And uh, now he is going, he has applied uh, in Mumbai for the equity, uh, in equity research firms. He's, he he has interest in finance, basically. So, without wasting uh, time, let's uh, request Yash to share some tips. Thank you, Manx, sir. Actually SFM is a subject which is really close to me because I can relate to it practically not only just theoretically and learning it but uh, SfM actually gives me the tips to how to earn money and that really inter give me a good type Of an interest because in life you need to earn money, that's the basic formula. So, like even subjects like capital budgeting if I invest today, how much I'm getting tomorrow, or in mutual funds, if I'm like putting in my money, how much return do I want? If you study SFM in that manner, you'll actually get the interest in the subject portfolio management subject, you get to know how much your worth is actually, and other subjects like MA mergers and acquisitions and uh, leasing if you are being the lesser yourself if you are being the lessee yourself you'll relate to the subject you'll know that yes sfm is like the most interesting subject ever because you get to know how in future you will be earning money and how to multiply that money without even doing nothing and less doing le most least efforts and learning the subject not only that i have great interest in

द बेसिक थिंग इज द इंटरेस्ट यश का इक्विटी में फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वन थिंग ही इज गोइंग टू अप्लाई फॉर सी एफ एल्सो नाउ और डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन में ही इज गोइंग टू अपीयर फॉर सी एफ ए लेवल वन एंड आने वाले एक साल के अंदर में डेढ़ साल के अंदर में ही इज गोइंग टू क्लियर ऑल द अदर टू लेवल्स एक चीज ये होगी दिस शोज़ क्लियरली द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द सब्जेक्ट की इक्विटी में पोर्टफोलियो में कैब बज में और कॉरपोरेट फाइनेंस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है ठीक है एक चीज हो गई सेकंड थिंग इज ही इज गोइंगी आईज अड अर्यर कि ही इज आई गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन इक्विटी रिसर्च फॉर्म इट सेल्फ सो जो बात होती है ना स्कोर करने में एटी प्लस स्कोर करने में द डिफरेंस इज नॉट जस्ट स्टडिंग लाइक रीडिंग द बुक या सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल या फिर कोई और रेफरेंस बुक या कोई टीचर की क्लासेस लगा लिए हाँ भाई उनके बारे में बहुत सुना है उनकी क्लासेस लगा लिए तो हम पास हो जाएंगे ये एक बेसिक चीज़ है यहाँ से सब यहाँ से सिर्फ शुरुआत होती है अगर आपको लिमिट्स क्रॉस करनी है तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना वॉट हैपन्स वेन यू टेक इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप अपने आप खुद मतलब अपने आप आपके एफर्ट्स उसमें आ जाते हैं ठीक है सो लाइक ही हेड कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट रिलेट कर पाता हूं जब आप हर चैप्टर को एस एफ एम में लाइक कैपिटल बजटिंग हो गया म्यूचुअल फंड हो गया एंड एक्विजिशन हो गया फॉर पोर्टफोलियो डेरिवेटिव हो गया जब आप हर चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाओगे जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे तब जाके आपको चीज़ें तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान बन जाएगी जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आते शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगे और आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी इनफैक्ट आप खुद होकर उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहोगे इतना सारा बींग अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ग्रुप वन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी दो सब्जेक्ट को एम uh, करो टारगेट करो कि आप उसमें एग्जामेशन स्कोर करो ताकि आप निकल पाओ नाउ वट इज द डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर डिफरेंस इज यश का सोचना एग्जाम के लिए नहीं था अभी आपने जितनी भी देर सुनी सुना उनको इन्होंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं बताया इन्होंने ये चीज बताया कि आप कोरिलेट करो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से ठीक है जब आप कोरिलेट कर पाओगे तब जाके बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान बन जाएगी एंड द सब्जेक्ट विल बी इजी फॉर यू सो बेसिकली यश आई वांट टू आई आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू शेयर समथिंग अबाउट द एग्जाम नाउ एक चीज तो आपने बता दी कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से uh, इसको कोरिलेट करो सो दैट इट विल बिकम ईजी फॉर यू नाउ लाइक नाइंटी डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम एंड यू हैव टू स्टडी फॉर द एस सब्जेक्ट सो वॉट आर द थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ कि मिस्टेक्स ना हो पाए Yes sir Sir uh, actually, according to me, in these ninety days, the person like needs to get into the practice manual zone he needs or the study material zone, whichever has been given by his teacher, his or her teacher, and needs to relate every question to his the way he has studied it the first go and try to solve each and every question, either be, it being really hard or being really easy. Try to solve each and every question practically and try to relate it to himself and then tell himself that he knows each and every question. Like leaving out even a single question, which is really, really hard, can be really harmful because the confidence level, which is at a peak level for SFM, which should be at the peak level for SFM because it's a really scoring subject, goes down because you know that you don't know this question from bond valuation or this question from forex. That really hurts you and at the exam level, it it affects you because you know in somewhere in the mind that you don't know that question. If you have known all the questions, if you know all the questions, if you have solved all the questions in the exam, you get that kind of confidence that even if the examiner asks me anything, anything, I can relate to that question and I can solve it in some or the other manner and I can get the final answer. That helped me somewhere scoring 92 because when I was giving my exam, I knew that I know. Each and every question in every possible manner. Even if I had some doubts in some question, I cleared it up before the exams. I called you. I called some of my friends, and I, I knew that I know everything related to this topic uh, of S F M because I was so confident about it, uh, being like leaving no question uh, like unsolved. Mm. Yes, exactly. अच्छा देर आर फ्यू क्वेश्चन आई 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 टू आस्क यू नीड वेरी शॉर्ट आंसर फॉर दैट डायरेक्ट आंसर फॉर दैट अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास में तेरह चैप्टर्स है एस एफ एम में और uh, मेरे पास में टाइम कम है तो मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए क्या आपका व्यू होगा इस सिलेक्टिव uh, स्टडी पे सर पर्सनली आई वुड सजेस्ट नॉट टू लीव एनी चैप्टर इन एस एफ एम नॉट टू लीव एनी चैप्टर इन बिकॉज एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस इवन इफ इट इज फॉरेक्स और Uh, derivatives, it has its own importance because uh, some people think that derivatives is like, okay, easy question, aega. but it's not like that. sometimes the examiner will ha ask you really hard questions and that will affect your exam score. so exactly. solve each and every question. don't think about the three months. three months are more than enough for so solving for if you are giving the f first items. group hmm. all the four, four uh, subjects or if you are giving eight, you, you can actually do it if you have that kind of passion for it. So CA is something where you study. If you study, study it full because the examiner can ask anything. Hmm. Achha, another question that I want to ask you is. Uh जैसे कि आप मैंने मैं पहला आंसर मैंने पहले जब इनको क्वेश्चन पूछा था दैट वाज द सेम थिंग कि कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए अगर मेरे पास में टाइम कम है आई वांटेड द सेम आंसर दैट ही गेव आई वाज एक्चुअली इसकेर्यड कि अगर उन्होंने दो तीन चैप्टर के नाम ले लिए तो गलत हो जाएगा <laughs> लेकिन ही 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 सजेस्टेड द वेरी गुड पार्ट बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं एग्जाम में आई हैव सीन दैट इन माई टीचिंग करियर कि सर कैपिटल बजटिंग छोड़ के चला गया सर डेरीविटी छोड़ के चला गया इसमें से तो पूछा नहीं था सो दैट इज गोइंग टू हार्म यू फॉर श्योर बिकॉज यू आर नॉट ऑनेस्ट विद यर यू हैव दिस थर्ड चैप्टर

I know that where there were two marks went and out of 92. <laughs> so I would say RTP solve करो पहले साल की भी and अगर तुम्हारे पास time है तो test series and ये सब पे जाओ or else just practice manual that you have got from the institute. Sufficient. It, in is. it is more than sufficient to score 80 plus that I can tell you. But there is one question uh, in front of the students कि uh, normally दो चीजों के बारे में मैं बोलूँगा class जहाँ पे मैंने लगाई वहां पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है पहले चीज तो प्रैक्टिस मैनुअल करना पॉसिबल नहीं होता दूसरी चीज जहां पे क्लास लगाई उनके नोट्स में या मेरे नोट्स में भी जैसे कि है मेरे नोट्स में भी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं ऐसे टाइम पर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहिए जेन्यून रिप्लाई सर आई वुड से अगर टाइम कम है तो गो ओनली फॉर द प्रैक्टिस मैनुअल Only for the practice because that's institute material that is common for all. The teacher that you are referring to has his own questions, his own intellect in his questions, which are somewhere related to himself, not to the institute. institute. So it will, it's gonna like, it's gonna build your good in intellect also by referring to your teacher. But more, if you want to score more, I would say practice manual because practice manual at the end of the day gives you more of a बेस टू स्कोर मोर बिकॉज इट है सेम थिंगट है जब मेरी क्लास में कोई आता है मेरे वीडियो लेक्चर कोई लेता है तो अलॉट ऑफ पीपल आस्क मैं कि सर आपकी बुक में प्रैक्टिस होने वालों के क्वेश्चन इंक्लूडेड है कि आपकी बुक कर लिया तो हो जाएगा कैन आई से नो भले ही मेरी बुक में प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन इंक्लूडेड है यू हैव टू गो थ्रू अ प्रैक्टिस मैनुअल कैसे भी करके देर इज नो ऑप्शन कोई भी टीचर अगर आपको ये बताता है कि प्रैक्टिस मैनुअल नहीं करना क्योंकि हमारी बुक में यह सब क्वेश्चन इंक्लूडेड है बट डोंट गो फॉर दैट गो विद द प्रैक्टिस मैनुअल फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस प्रैक्टिस मैनुअल सेकंड प्रेफरेंस इज मयंक कोठारी की बुक ठीक है या कोई भी और टीचर की बुक जो भी आप रेफर कर रहे हैं क्यों रीजन मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट का एक अपना तरीका है आपको इंस्टीट्यूट की जब आप बुक देखते हो तो आप उसका जो तरीका देखते हो आंसर्स लिखने का दैट इज दैट मे बी डिफरेंट ठीक है फ्रॉम टीचर्स परस्पेक्टिव टीचर्स के सोल्यूशन और उनके सोल्यूशन में यस आई एग्री विद दिस थिंग जनवरी 2017 में जो इंस्टीट्यूट ने पीएम लेखा आया उसमें बहुत सारे करेक्शंस थे लाइक पुरानी जो प्रैक्टिस मैनुअल थी उसमें बहुत सारी, सारी गलतियां थी लेकिन थिंक अबाउट इट 500 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन भी गलत है लेकिन चार तो सही है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो अगर आपके पास में टाइम कम है गो विद द प्रैक्टिस मैनुअल फर्स्ट ठीक है उसके बाद में आपके आ, टीचर्स के नोट एंड आई एम टेलिंग यू ब्लाइंडली यू कैन कीप असाइड टीचर्स के नोट या कोई क्लास के नोट्स या कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ब्लाइंडली यू कैन कीप असाइड इफ यू हैव लेस टाइम इफ यू इफ यू डोंट डोंट हैव दैट मच ऑफ द टाइम और आपको लगता है कि यार प्रैक्टिस मैनुअल नहीं हो पाएगी पहले प्रैक्टिस मैनुअल होनी है उसके बाद कोई नोट्स बचे तो उसमें से सिलेक्टिव स्टडी कर लो चलेगा टाइम मिला तो अच्छा नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू इज अगर मैं प्रैक्टिस मैनुअल कर रहा हूँ मेरी क्लासेस हो चुकी है अब मेरे को कोई क्वेश्चन में डाउट्स आता है या कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन रेफर इन एनी ऑफ हैं एंडिंग एंडिंग के आई ट्राई टू सोल्व इट लाइक थ्री टू फोर टाइम्स माई सेल्फ मतलब ट्राई टू एनालाइज दिन कि मुझे क्या आता है I call my sir, I call anybody who is good at SFM or who is like a senior to me and he knows that SFM is really good, he is really good at SFM and he can make you understand. Most effectively I try to call sir if he is free and the way your sir tells you to like solve it, you try solving it again that same question the way sir told you and then go through it two more times yourself ki ha, I know the topic right now, okay this question is clear to me and then you are confident about that. टॉपिक इट सेक्स का एक क्वेश्चन रह गया है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द होल फॉर इवन इफ वन क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एंड दैट वन क्वेश्चन हेल्प्स यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन अ रियली गुड मैनर थैंक यू सो मच यश फॉर शेयरिंग योर टिप्स वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू द स्टूडेंट्स मैं तो बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन सुनते नहीं हैं ये बच्चे लोग uh, कोई भी इनको जरा सा बोलो ये चीज कि अगर आपको एस एफ एम पढ़ते समय में कोई भी डाउट आता है एंड प्रैक्टिस मैनुअल बेसिकली बेसिकलीस्टीट्यूट मटेरियल नॉट अदर क्लास नोट्स तो दे कैन आस्क मी डाउट इन एनी क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप मोस्ट प्रिफरेबली व्हाट्सएप मैं तो हर हर वीडियो में मैं बोलता हूँ आप लोगों ने अगर पुराने वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता भी होगा बट आई वॉन्ट यश टू रिक्वेस्ट द सेम थिंग टू यू लिसन टू हिम केयरफुली एवरीबडी लाइक एक्चुअली एवरीबडी जेनली सर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल के छोड़ दो बस बस एंड ही रिप्लाई टू यू ही एक्चुअली डज ही इफ नॉट अ रिप्लाई इफ नॉट इफ नॉट एबल टू कॉन् इफ इज नॉट एबल टू रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप थिंग ना ही कॉल यू अप एंड ही टेल यू कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है और ही जस्ट सेंड यूर फोटो कि ये देखो मैंने सॉल्व करके रखा है तुम इसको देखो एनालाइज करो एंड तुम सॉल्व करो एंड दैट एक्चुअली हेल्प द फोटो ना बिकॉज यू नो सर की हैंड राइटिंग एंड ऑल दैट यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव सीन द लेक्चर्स तो यू नो कि हाँ आई कैन रिलेट टू इट एंड समवेयर और दी अदर इट योर माइंड कि सर ने मेरे लिए भेजा था तो वो क्वेश्चन यू गेट इट एंड इन द एग्जाम अगर वो क्वेश्चन से कुछ भी रिलेटेड भी आता है ना यू एक्चुअली क्लिक टू इट कि हाँ सर ने वो क्वेश्चन मेरे लिए भेजा था एंड दैट हेल्प्स अच्छा ये ये जो आपने आखिरी में चीज़ बोली कि हाँ वो वो question, वो क्वेश्चन वो डाउट मैंने पूछा था और मैंने वो आंसर भेजा था तो आपको क्लिक होता है दिस हज है आज मी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन मोहज एंड एक्विजिशन का वो क्वेश्चन था ग्रॉस एनपीए वाला जिसमें स्वैप रेशो कैसे लेना एनपीए का स्वैप रेशो थोड़ा उल्टा था और बाकी तीनों के स्वैप रेशो सीधे थे आई विल टेल यू वन फैक्ट अबाउट इट एग्ज़ाम के तुरंत बाद में आई गॉट ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सेवेंटी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलिंग की सर वो ग्रॉस एन पी ए वाला क्वेश्चन मैंने तीन दिन पहले पूछा था याद आ गया था सर ये वो चीज़ें आई विल टेल यू वन थिंग क्या होता है ना जब आप एक साथ सब कुछ पढ़ते हो ना तो शायद चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी लेकिन आप एक एक, एक करके चीज़ें पूछोगे या डाउट सॉल्व करोगे ना तो आपको क्लिक होता है कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ करी थी वहाँ से आंसर आया था उसने आंसर दिया था मेरे दोस्त ने वो बताया था तो आपको एग्जाम में वो चीज़ हेल्प करती है सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू अगर आपको वैसा है मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे अभी स्टार्टिंग के टू मंथ्स होते हैं एग्जाम के तो आई विल टेक टू डेज मोस्ट प्रोबेबली टू आस्क द रिप्लाई टू द डाउट्स आखिरी आखिरी में थोड़े डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अराउंड थ्री टू फोर डेज लग जाते हैं डाउट्स का रिप्लाई करने में बट आई विल मेक श्योर मैक्सिमम पॉसिबल कि मैं अभी जो आपके आने वाले दो महीने में जो डाउट्स है वो सॉल्व कर पाऊंगा वाई बेसिकली आई विल डूइंग दिस बिकॉज आई हैव द सेम इंटरेस्ट एंड पैशन इन द सब्जेक्ट आप जब डाउट्स पूछते हो तो मेरे को भी मेरा दिमाग लगाना पड़ता है इन फैक्ट दिस इज अ नॉलेज फॉर बेसिकली इंक्रीजिंग द नॉलेज फॉर मी ऑल्सो सो बेसिकली इट्स वन टू वन इंटरेक्शन आपके लिए भी हेल्प हो रही है मेरे लिए भी हेल्प हो रही है सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर रिमेंबर दैट ही गॉट नाइन्टी टू मार्क्स वॉट एवर ही इज सेंग अबाउट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल लाइफ इट्स एक्चुअली अ फैक्ट ट्रूथ अगर आप ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओ आपके प्रिपरेशन uh, में I'm damn sure you are going to get the marks. So stay confident and all the best for your exam. Bye bye.